नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप भी बाइनेंस यूज करते हैं और बाइनेंस यूज करते हैं तो नीचे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन आ रहा है, ना कि वॉलेट का। ओके, तो आप यहाँ पे वॉलेट वाला ऑप्शन कैसे लाएंगे, ये आपकी सेटिंग गड़बड़ा गई है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इसको प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। जिस ईमेल से आप इसमें लॉगिन किए हैं वो ईमेल आपको यहाँ पे देख लेना है। ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी जो दिखाई दे रहा है ना, इस ईमेल आईडी को आपको देख लेना है कि इस ईमेल से आपका लॉगिन है। उसके बाद क्या करना है, बैक करना है। उसी के बाद आपको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस किए रहना है अपने ऐप पर। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये अबाउट वाला। ओके, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, स्टोरेज में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे से ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लियर कैच, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपको यहाँ पे क्लियर डाटा दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है बस। उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए अब यहाँ से मैं अपना बाइनेंस ऐप ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर वॉलेट वाला ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं। तो ओपन किया तो फिर से यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मांग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताया था कि वो ईमेल आईडी आपको याद कर लेना है, कौन से ईमेल आईडी से लॉगिन था। उसके बाद यहाँ पे आपको आई एम ए क्रिप्टो प्रो पे दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना है, एक्सेप्ट ऑल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करके और यहाँ पे जो आपका ईमेल था दिखाई दिया था उसी ईमेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे फिर आप इस बाइनेंस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए वेट कर लेते हैं और दिखाते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो दोस्तों अगर फिर भी अगर आपका पोर्टफोलियो ही दिखा रहा है यहाँ पे तो क्या करना है, एक और स्टेप बता रहा हूँ। आप सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाके और इस ऐप को देख लेना है कि आपका ये अपडेट है कि नहीं। तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई अपडेट नहीं मांग रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप बता रहा हूँ, आपका 100% सॉल्व होगा। उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये देख रहे हैं दोस्तों, ब्लू येलो कलर का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिएगा दोस्तों, बाइनेंस प्रो करके आपका भी दिखाई देगा। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, ये देखिए, फिर आपको यहाँ पे वॉलेट, फ्यूचर ट्रेड्स, ये सब भी ऑप्शन दिखने लग जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ देखिए दोस्तों, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, देखिए वॉलेट पे क्लिक करके, देख रहे हैं ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे वॉलेट वाला ऑप्शन आप ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कर दीजिएगा।